अभी एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वोटिंग के बीच हंगामे की सूचना है। डीयू के वोटिंग सेंटर में एनएसयूआई का हंगामा, एनएसयूआई उम्मीदवार और प्रोफेसर के बीच हाथापाई की स्थिति हो गई। समय से वोटिंग नहीं शुरू होने का विरोध किया गया था, तो एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का छात्र संघ है उसने हंगामा किया है। और देख रहे हैं तस्वीरें भी आपके सामने, किस तरीके से वहां पर हाथापाई भी हो गई, डीयू में वोटिंग के बीच हंगामा हुआ है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया जो कि कांग्रेस का छात्र संघ है उसके स्टूडेंट्स थे वहां पर, एक प्रोफेसर के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं, मेरी सहयोगी आजातिका यहीं पर मौजूद है। आजातिका बिल्कुल, अपने देखिए ये जो खबर है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के, इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और जो चुनाव का वक्त है वो 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक का तय किया गया है। इस बीच में ये जानकारी मिल रही है, ये बताया गया है कि एनएसयूआई के उम्मीदवार और प्रोफेसर के बीच में हाथापाई हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चुनाव के लिए वोटिंग अभी शुरू हो गई है, इस बीच में LC2 यानी कि लॉ सेंटर 2 का ये जो वीडियो है हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जानकारी के अनुसार एनएसयूआई ये बोल रहा है क्योंकि वक्त पर वोटिंग शुरू नहीं हुई थी, उसमें बहसबाजी हुई प्रोफेसर के साथ, लेकिन किसी भी लिहाज से जो मारपीट है वो जस्टिफाई नहीं की जा सकती। एनएसयूआई बार बार यही बोल रहा है कि क्योंकि वोटिंग टाइम से शुरू नहीं हुई थी इसलिए बहसबाजी हुई और यहाँ पर कोई मारपीट नहीं हो रही है। हालांकि वीडियो में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे हाथापाई हो रही है, प्रोफेसर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टूडेंट उनको अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस पर देखिए एबीवीपी से भी हमने बात करी, एबीवीपी का कहना है कि LC2 में जो एनएसयूआई है उसके समर्थक पहुंचे और उन्होंने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की। ठीक है, इस डेवलपमेंट पर आप नजर बनाकर रखिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।